बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज हम फिज़िक्स का 9 क्लास का लेक्चर जो है वो डिलीवर करेंगे। तो जिस तरह के हमने ये ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है, तो पहला चैप्टर जो था वो हमने पहले पढ़ लिया है। अब हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर जो 2 है इसका नाम है काइनामेटिक्स। जिस तरह हमने ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स में मैकेनिक्स की डेफिनेशन या मैकेनिक्स पढ़ा था, तो मैकेनिक्स में ही आगे उसकी टाइप जो है वो काइनामेटिक्स की है। तो ये ज़रा पेज नंबर आपने 29 खोलना है बुक पे। तो पेज नंबर जो 29 है इसमें जो पहली टर्म है वो है रेस्ट एंड मोशन। आम तौर पर जब हम किसी भी कोई भी बात करते हैं कि रेस्ट, तो रेस्ट का यही मतलब होता है कि कोई भी जो चीज़ है वो रेस्ट की फॉर्म में है, मतलब कि वो मोशन में नहीं है, वो हरकत में नहीं है। तो इसमें डेफिनेशन में आप अगर देखें तो यहाँ पर यही लिखा है, अ बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट। एक जो बॉडी है वो रेस्ट की फॉर्म में होगी, या उसको रेस्ट की फॉर्म में हम कहेंगे, इफ़ इट डज़ नॉट चेंज, अगर वो चेंज ना करे इट्स पोजीशन, अपनी हालत को, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के हिसाब से अगर वो पोजीशन ना चेंज करे तो उसको हम रेस्ट कहते हैं। यहाँ पर देखें, मैंने बोर्ड पे भी यही रेस्ट लिखा हुआ है, डज नॉट चेंज पोजीशन, अगर पोजीशन चेंज ना करे तो उसको हम रेस्ट कहते हैं। इसी तरह इसकी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कोई भी एक चेयर है वो अपनी रेस्ट की फॉर्म में है, टेबल है पड़ा हुआ वो भी रेस्ट की फॉर्म में है, डाइस है रेस्ट की फॉर्म में है, वो मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो रेस्ट की फॉर्म में है। इसी तरह दूसरे नंबर पर है मोशन। तो मोशन को अगर आप उर्दू में देखें तो उसका मतलब होता है हरकत। हरकत कोई भी चीज़ जो है वो अपनी अगर पोजीशन या जगह चेंज करे तो उसको हम मोशन कहते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है पेज 29 पर, ए बॉडी सेट टू बी मोशन, एक जो बॉडी है वो उस वक्त मोशन की फॉर्म में होगी या उसको कहेंगे, इफ़ इट चेंजेस, अगर उसमें चेंजिंग आए, तब्दीली आए, इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन में, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इर्द गिर्द के लिहाज से अगर उसमें तब्दीली आती है तो उसको हम मोशन कहेंगे। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एग्जांपल है यहाँ पर लिखी, फॉर एग्जांपल ए पैसेंजर सीटिंग इन ए मूविंग बस इज़ एट रेस्ट बिकॉज ही शी इज़ नॉट चेंजिंग इज़ हर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर्स आर ऑब्जेक्ट इन द बस। यहाँ पे वो आपको ये कह रहा है कि जो मुसाफिर जो हैं वो बस के अंदर बैठे हुए हैं, तो बस के अंदर जो दूसरे मुसाफिर हैं उसके हिसाब से वो जगह अपनी चेंज नहीं कर रहे। मतलब ये है कि बस के अंदर जो मुसाफिर हैं एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट की फॉर्म में हैं, लेकिन बट टू ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस, लेकिन जो बस के बाहर जो बंदा उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसको देख रहा है, द पैसेंजर्स एंड द ऑब्जेक्ट इन साइड द बस आर इन मोशन, वो बस भी और जो पैसेंजर्स हैं उसके अंदर वो मोशन की फॉर्म में हैं। तो ये इसकी एग्जांपल है रेस्ट एंड मोशन की। ये आपने अच्छी तरह से याद करनी है, इसको लिखना भी है। इसी तरह उसके बाद आगे है टाइप्स ऑफ मोशन। तो सिर्फ़ और सिर्फ आज आपने ये टाइप्स ऑफ मोशन के नाम जो है वो याद रखने हैं। ये यहाँ पर पहला नाम है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन है, इसकी आगे 3 टाइप हैं, लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर मोशन। ये आप अगर देखें, लीनियर जो लफ्ज़ है इसका अगर आप ए आर काट दें, ए आर को ना लिखें, तो ये लाइन बनता है। मतलब ये है कि जो लाइन में मोशन होती है उसको लीनियर मोशन कहते हैं। इसी तरह सर्कुलर मोशन का भी ए आर काटें तो वो सर्कल बनता है। सर्कल का भी मतलब यही है कि जो कि सर्कल में दायरे नुमा जो मोशन होती है। इसी तरह रैंडम है तो रैंडम कहते हैं बेतरतीबी को, इरेगुलर मोशन जो होती है उसको रैंडम मोशन कहते हैं। ये डेफिनेशन आपने अगले लेक्चर में तैयार करनी है, लेकिन फ़िलहाल अभी इसके सिर्फ आपने नाम याद करने हैं। दूसरे नंबर पर है रोटेटरी मोशन।
रोटेटरी मोशन में एक्सिस के गिर्द जो भी रोटेट होती है, मसलन के पंखा होता है वो एक एक्सिस के गिर्द घूमता है, तो उसको हम रोटेटरी मोशन के हिसाब से देखते हैं। या इसी तरह किसी भी गाड़ी का कोई पहिया है वो भी अपने एक्सिस के गिर्द जो है वो घूमता है। ये डेफिनेशंस जो हैं ये आपने अगले लेक्चर में याद करनी, अभी नाम ही याद करना। इसी तरह लास्ट है वाइब्रेटरी मोशन। तो जो वाइब्रेटरी मोशन है, वाइब्रेट होना, वाइब्रेट होता है कि एक पॉइंट में आगे पीछे जो हम हरकत करते हैं उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो फिलहाल अभी आपने ये सिर्फ टाइप्स ऑफ मोशन के नाम याद करने हैं और इनको आपने लिखना भी है असाइनमेंट के तौर पर, ये आपने तैयार करना है। ये आपका लेक्चर है, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम।